पाकिस्तान होने जा रहा मालामाल, हाथ लग गया अब तक का सबसे बड़ा खजाना। क्या अब पाकिस्तान का कर्ज दूर होगा या फिर पाकिस्तान विदेशी बोझ तले दबा रहेगा? लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि यदि पाकिस्तान को जो खजाना मिला है वो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार कर सकता है। पूरी खबर क्या है आइए जानते हैं, पर उससे दरअसल दोस्तों पाकिस्तान इस समय नहीं है कि पाकिस्तान के हाथ में अभी बड़ा खजाना लगा है। यहाँ पर इसके समुद्री सीमा में एक बहुत बड़ा तेल और गैस का भंडार मिला है और कहा यह जा रहा है कि ये तेल और गैस का भंडार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हो सकता है। अगर ऐसा वाकई में होता है तो पाकिस्तान की दिशा और दशा दोनों ही सुधर सकती है। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं, साथ ही साथ में ये भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ही जबरदस्त मौका तब आया था जब ये खबर फैली थी कि पाकिस्तान के साहिल पर बहुत बड़ा तेल का जखीरा है। ये दोस्तों तेल का जखीरा मौजूद है, तब से मौजूद है और अब भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर खुदाई का काम आप अगर सही जगह पर करेंगे तो लाजमी बात है तभी आप तेल तक पहुँच जाएंगे। ये समंदर है, जमीन नहीं है। यहाँ पर खुदाई के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा कॉस्ट लगती है, बहुत ही ज्यादा मेजरमेंट लगती है, उसके बावजूद गलती हो जाती है। केकड़ा 1 और केकड़ा 2 पर खुदाई की गई थी लेकिन उस वक्त कुछ नहीं मिला, पाकिस्तान को $15 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन दोस्तों 3 साल पहले से ये कोशिशें चल रही है और अभी जाकर ये कहा जा रहा है की एग्जैक्ट पोजीशन उसी आयल की जो पहले इमरान खान के दौर में दरियाफ्त हुआ था, उसी आयल की सही पोजीशन मालूम हो गई है। और अब की कंपनियां जो तेल की कंपनियां जिनमें एक शेल पाकिस्तान भी है वो ये कह रही हैं कि इस बार जो उन्हें जगह मिली है वो एग्जैक्ट वही है जो दोस्तों तेल के भंडार तक ले जाएगी। ये तेल का जो जखीरा है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है दोस्तों, दुनिया का चौथा बड़ा जखीरा है। पहला आपको पता है कि सऊदी अरब के पास है, फिर वेनेजुएला, उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद दोस्तों दुबई और फिर पाकिस्तान का नंबर आ जाएगा। पाकिस्तान ओपीसी का मेंबर बन जाएगा जिसमें पाकिस्तान दुनिया का पेट्रोल कंट्रोल कर जाएगा। लेकिन दोस्तों ये तब होगा जब पाकिस्तान की ये वाली जो मेजरमेंट है वो भी बिल्कुल सटीक जगह पर सही पर जाकर बैठ जाए, उसके अलावा जो डिवाइसेस मेजरमेंट हुई है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और जो भंडार है, जो जखीरा है तेल का, वो यकीनन मौजूद है। क्योंकि इसी तरह तेल के जखीरे दुनिया में मौजूद तलाश किए जाते हैं, अमेरिका ने सारे के सारे तेल के जखीरे इसी तरह तलाश किए हैं। लेकिन दोस्तों उनके पास इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा है कि वो एक जगह पर ड्रिल करते हैं, वहां नहीं मिला तो दूसरी जगह पर, नहीं मिला तो तीसरी जगह पर। हमारे पास इतने नहीं थे कि हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ड्रिल किए, केकड़ा 1 और केकड़ा 2 पर वो कामयाब नहीं हुए, तो फिर पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा ड्रिल करे। लेकिन अभी की हुकूमत ने फिर दोबारा कोशिशें की हैं और अब ये माना जा रहा है कि फिर ड्रिल का काम शुरू हो गया और 3 साल जो मेजरमेंट और कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक इस बार पाकिस्तान को कामयाबी मिलने के चांसेस पहले से बहुत ज्यादा हो गए हैं। और दोस्तों अगर तेल मिल जाता है और तेल मिल जाने के बाद सही इस्तेमाल होता है, गंदे और गलत हाथों में नहीं जाता, ताकतवर लोगों के हाथों में नहीं जाता, पाकिस्तान की आवाम पर लगाया जाता है, कर्ज वापस किए जाते हैं, तो फिर इसका फायदा होगा। अलबत्ता अगर ये मिल भी जाता है और गलत लोगों के हाथों में चला जाएगा फिर पाकिस्तान को कोई मुनाफा नहीं होगा। दोस्तों देखिए सऊदी अरब, दुबई, कतर, ये ममालिक इतने अमीर इसलिए हुए हैं कि तेल के भंडार तो थे लेकिन वहाँ के हुक्मरान, वहाँ के वफादार भी थे, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है जिसमें देश को भारी वित्तीय अस्थिरता, बढ़ती महंगाई, विदेशी कर्ज का बोझ और मुद्रा की गिरावट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और देश की औद्योगिक उत्पादन क्षमता कम हो गई है जबकि बेरोजगारी और गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से सहायता की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए कठोर आर्थिक सुधारों और नीतिगत स्थिरता की आवश्यकता है। लेकिन इस संकट के बावजूद हाल ही में समुद्री सीमा में तेल और गैस के बड़े भंडार की खोज ने पाकिस्तान जैसे गरीब देश की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीदें जगा दी हैं। और यदि इन संसाधनों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा सका तो पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है और विदेशी मुद्रा भंडार को भी बढ़ा सकता है। हालांकि यह रास्ता इतना आसान नहीं होगा और इसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश और तकनीकी सहयोग की जरूरत होगी। आपको बता दें, पाकिस्तान की सरकार और नागरिकों के लिए यह समय एकजुट होकर आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाने का है ताकि देश को इस संकट से बाहर निकाला जा सके और स्थायी आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ा जा सके। इसके तेल और गैस का एक विशाल भंडार मिला है। इस खोज को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है जो वर्तमान में आर्थिक संकट से जूझ रही है। इस भंडार की खोज एक सहयोगी देश के साथ मिलकर 3 साल के लंबे सर्वे के बाद की गई है और अब इसकी मौजूदगी की पुष्टि हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भंडार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार हो सकता है, जबकि वर्तमान में सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला के पास है जहां 34 लाख बैरल तेल का रिजर्व है। लेकिन अमेरिका के पास सबसे शुद्ध तेल का भंडार है जिसे अब तक पूरी तरह से इस्तेमाल में नहीं लाया गया। पाकिस्तान के इस नए भंडार से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि यह खोज देश के ऊर्जा संकट को काफी हद तक कम कर सकती है।
इस भंडार की पूरी क्षमता का आंकलन करने और एक्विजिशन शुरू करने से पहले इसके ऊपर डिटेल्ड रिसर्च की जाएगी। माना जा रहा है कि इस रिसर्च पर लगभग 42,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और रिसर्च के सफल होने की स्थिति में तेल और गैस को समुद्र की गहराई से निकालने में 4-5 साल का समय लग सकता है। इसके बाद कुएं लगाने और आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता होगी। पाकिस्तान के सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार इस तेल और गैस के भंडार की खोज ब्लू वाटर इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। ब्लू इकोनॉमी से समुद्री संसाधनों का आर्थिक रूप से उपयोग करना है, जिसमें तेल, गैस और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन शामिल है। इसके माध्यम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नए बंदरगाहों, समुद्री रास्तों और बेहतर समुद्री नीति के द्वारा बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। यह देश के आर्थिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तेल और गैस के अलावा पाकिस्तान की समुद्री सीमा में जिरकॉन, रूटाइल जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज भी मिलते हैं। इन खनिजों के खनन से देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिल सकती है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, इससे पहले भी रिसर्च के दौरान पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र में तेल और गैस की मौजूदगी की संभावना जताई गई थी, लेकिन तकनीकी समस्याओं के चलते उन क्षेत्रों से तेल या गैस नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान की ऑनेल और गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओग्रा के पूर्व सदस्य मोहम्मद आरिफ ने इस खोज पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 3 साल की लंबी रिसर्च के बाद यह तेल और गैस भंडार मिला है, लेकिन इसके उपयोग की 100% गारंटी नहीं होती। उन्होंने कहा कि अगर हमें गैस का भंडार मिलता है तो एलपीजी के आयात की जरूरत नहीं रहेगी। वहीं अगर तेल भंडार निकला तो पाकिस्तान के तेल इंपोर्ट का खर्च खत्म हो जाएगा। हालांकि भंडार की खोज एक सकारात्मक खबर है, लेकिन इसके उपयोग और फुल एक्सकैवेशन के लिए कई तकनीकी और आर्थिक चुनौतियां सामने आएंगी। अभी इस खोज को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाने के लिए और भी गहन रिसर्च और निवेश की जरूरत होगी। इसके लिए सभी सरकारी विभागों को इस खोज की जानकारी दे दी गई है और आगे की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। इस खोज के सफल होने पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और यह देश के ऊर्जा संकट को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले सालों में इस भंडार का एक्सकोवेशन कैसे और कितने का रहेगा। देखिए, इसके लिए हुआ क्या, आप जानते हो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के देश हैं। कुछ स्थल सीमा लगाते हैं, कुछ जल सीमा लगाते हैं, समुद्री सीमा लगाते हैं। तो जो ऐसे देश जिनके कुछ एरिया जो समुद्र से अपना बॉर्डर शेयर कर रहे होते हैं, यानी समुद्र तटीय होते हैं उनके कुछ हिस्से, तो उस पे उनके देश के मछुआरे जो होते हैं मछली पालन हुआ या बाकी चीज उद्योग करना चाहते हैं, बंदरगाह वगैरह भी बनाते हैं, तो फिर वो चाहते हैं कि उसका कुछ एक एरिया कुछ एक दूरी तक का अधिपत्य उनके पास हो। तो इसको लेकर के काफी डिस्प्यूट हुआ करते थे, क्योंकि बहुत सारे देश कई कई बार एकदम करीब करीब आ जाते थे। तो इसको लेकर के एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करी गई और उसमें ये डिसाइड किया गया कि कोई भी देश, जैसे आप फॉर एग्जांपल भारत का ये तटीय क्षेत्र देखोगे, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तो कोई भी देश होगा उसकी 80-80 किलोमीटर तक की जो दूरी होगी समुद्र में, यानी 80 उसके तट से लेकर 80 किलोमीटर आगे तक, उस पर तो 100% कंट्रोल, पूरा पूरा आधिपत्य, पूरी पूरी समझ लो कि दावेदारी उसी देश की रहेगी जिसके वो 80 किलोमीटर दूर पर है। और 200 किलोमीटर तक उसका एक और बॉर्डर होगा जिस पर आधिपत्य तो इनका रहेगा, लेकिन इस दायरे में और भी देशों को अगर आना होगा तो इनके अलावेंस से वो आ जा सकते हैं। मतलब अगर 200 किलोमीटर के बीच में और कोई जहाज आना चाहता है किसी दूसरे देश का, तो इनकी परमिशन से वो आ जा सकता है, लेकिन 80 किलोमीटर के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता है किसी भी कीमत पर, है ना। उसके लिए तो बहुत कड़े कानून, बहुत कड़े नियम होते हैं, और इसके अंदर जो भी मिनरल्स पाए जाएंगे, जो भी रिजर्व्स पाए जाएंगे, उसकी पूरी पूरी जो है अधिकार इन्हीं देश का होगा, ठीक है। तो ऐसे ही पाकिस्तान, आप देखोगे कि यहां पर इसका समुद्री बॉर्डर यहां से लेकर यहां तक लगता है, तो इतने समुद्री बॉर्डर के अंतर्गत यहां पर यहीं बीच में कहीं पर समुद्री सीमा में ही इसके पाया गया है ऑयल और प्राकृतिक गैस का भंडार। यहाँ पर बड़ी बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो ऑयल रिजर्व बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अगर ये ठीक ठीक उतना ही अनुमान हुआ जितना ये पाए जाने की बात की जा रही है, गणना की जा रही है, तब ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व हो सकता है। आज के टाइम पर वेनेजुएला जो है ये दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व रखता है, 3.4 बिलियन बैरल के साथ ये अग्रणी है। यहाँ पर टॉप 10 की लिस्ट भी मैंने दे रखी है। जैसे वेनेजुएला आप देखोगे तो 30,380 ये करोड़ में है, करोड़ बैरल में है, 30,380 करोड़ बैरल के आसपास में है। दूसरे पर 25,860 के साथ करोड़ बैरल के साथ सऊदी अरब है। फिर ईरान के पास 20,860 करोड़ बैरल के का रिजर्व है। फिर इराक है, फिर कुवैत, यूएई, रूस, अमेरिका, लीबिया और नाइजीरिया है। लेकिन अगर बात किया जाए, ये तो है कि कहां पर ऑयल रिजर्व कितने पाए जा रहे हैं कच्चा तेल, अगर बात किया जाए कि सबसे ज्यादा भंडार करके स्टोर करके किसने रखा है, तो इस मामले में अमेरिका